नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने केंद्र सरकार को देश के गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से सबक लेते हुए जनता से माफी मांगने की दी नसीहत। सरकार ने ब्लैक मनी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही थी, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बजाय और बढ़ गया है, कहा अभिषेक राणा ने। हमीरपुर में शिव मंदिर के सामने राम गली में बनी वन विभाग की बिल्डिंग से गिर रहे स्लेट राह में चलते लोगों को कर रहे हैं घायल। असुरक्षित भवन कभी भी बड़े हादसे को दे सकता है न्योता। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अभियान के दौरान कर्मचारियों ने सड़क पर गाड़ी चलाते समय किन नियमों का करना चाहिए पालन, उसके बारे में लोगों को दी जानकारी। हमीरपुर पीडब्ल्यूडी विभाग पर सड़कों के उखड़ने पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। भोटा चौक के नजदीक उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कार्यालय के समीप सड़क रो रही है बदहाली के आंसू।